हाइड्रोजन ऑक्सीजन मित्रों सब कहां से आता है? हवा से आता है। तो हमने जब केले के पत्ते को पूरा प्रकाश न मिला न हवा मिली तो उत्पादन कम हो जाएगा। तो हमें केले का अंतर 4.5 बाय 4.5 5 बाय 5 के बदले 6 फुट तक अंतर रखें। मैं तो कहूंगा 12 फुट का अंतर रखोगे, बीच में अंतर पीक लो तो केले का उत्पादन बहुत बढ़िया आएगा, अच्छा भी आएगा और आप उसके ऊपर जो नियोजन करने का है वो भी ठीक कर पाओगे। अब पानी कब देना, कितना देना, कहाँ देना, मित्रों आप देखें केले के ऊपर पानी जब गिरता है बारिश का तो पानी का पत्ता कहाँ गिरता है? पानी आप देखोगे जो पत्ते की लंबाई है वहां गिरता है, ना कि तने के पास। बस मित्रों वही तो देखना है। तो हमें केले को पानी तने के पास न देते हुए जो पत्ता का लंबाई हुआ है उसके नीचे भी मत दे, क्योंकि वहां तक तो कुदरत ने दिया तो मानव क्या करेगा। मानव ने पानी को और लंबा देना है क्योंकि हमें उसकी जड़ों को दौड़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। जब तक केले के जड़े आगे नहीं बढ़ेंगे मित्रों केले का पत्ता नहीं बढ़ेगा। तो आज हमें एक बात समझ ले, दूसरी बात केले को पानी बिल्कुल तने का जो पत्ता बड़ा है उस पत्ते का जो नीचे का भाग है बिल्कुल उससे 1 फुट और पानी दे ताकि हमेशा जड़ें पानी की शोध के लिए आगे बढ़ते रहें और पत्ता भी आगे बढ़ता है। जितना पत्ता लंबा हमने देखा है कि उसकी इतने एरिया बढ़ेगा, इतना क्षेत्रफल बढ़ेगा, जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा इतना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ेगी, जितनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बढ़ेगी इतना ही तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनके ग्लूकोज बनेगा, वही तो केला बनने वाला है मित्रों। वो जो उसकी जो छाल है वो जमीन से बनके आती है, ये छाल का निर्माण होना भी जरूरी है। तो वो केले नीचे से जितने तत्व लेना चाहते हैं वो ले पाएंगे, केले की छाल बनेगी, तब तो अंदर का पल्प बनेगा, तब तो एक पूर्ण केला बनने वाला है। तो हमें केले को पानी फ्लड करके कभी नहीं देना है। हम मानते हैं केले को ज्यादा पानी देंगे तो ज्यादा फल आएगा, नहीं मित्रों एक बात समझ ले, केले को या किसी भी खेती के अंदर पानी की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नमी की आवश्यकता है। जब नमी का आप ख्याल रखेंगे तो केले की मिठास बढ़ेगी। आपको एक बात मैं सीक्रेट बता दूं, केले की मिठास बढ़ानी है, केले की साइज बढ़ानी है, केले का वजन बढ़ाना है तो 5वें महीने के बाद आप हर 10 दिन में एक मुट्ठी रात केले के आसपास जो जड़े हैं तना है वो पत्ता का अंतिम भाग है वहां पे नहीं, दोनों के बीच में आप रखिया डालें। ये रखिया क्या काम करेगी, जो पौधा जमीन से लेता है उसको समय लगता है, तो यदि आपको तात्कालिक उसका विकास करना है तो आप रखिया का उपयोग करें 10 ग्राम प्रति मास प्रति स्क्वायर फुट। ये राख देने से आपके केले की मिठास केले का वजन बढ़ जाएगा। कितना आसान काम है, केले की राख भी मिल जाए, जो कोई भी राख जो बेकरी में से जितना लकड़ा पुराना उतनी राख और अच्छी होती है। तो रखिया डालें और कोई केमिकल की आवश्यकता नहीं है। अभी केले को अमृत मिट्टी कितनी देनी, तो हमने इसका विकास का अभ्यास करते हुए समझा है कि प्रति स्क्वायर फुट 4 लीटर अमृत मिट्टी काफी है। तो हमने केले को 6x6 का अंतर दिया या 5x5 का अंतर दिया तो 25 स्क्वायर फुट हुआ, तो प्रति स्क्वायर फुट 4 लीटर, तो 100 लीटर अमृत मिट्टी देने से आपका 40 किलो का केले का लुम आ सकता है। लेकिन क्या एक साथ देनी है? नहीं, तब तो प्लांट फिजियोलॉजी नहीं समझे हम। 1 महीने में सिर्फ आपको 20 लीटर देनी है, यही तो प्लांट फिजियोलॉजी शरीर शास्त्र को समझकर हम मैनेजमेंट व्यवस्थापन। आज कॉर्पोरेट पैसा क्यों कमाता है, वो अपना 1 रुपए का पूर्ण आयोजन करता है, नियोजन करता है। मित्रों जब तक हमारे खेत के पानी का नियोजन हमारे खेत के खाद का नियोजन हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम समृद्ध नहीं बनने वाले हैं। एक साथ 100 किलो अमृत मिट्टी देने के बदले या खाद देने के बदले हमें हर महीने 20 लीटर देना है, तो 5 महीने में 100 लीटर,
अभी आप कहोगे कि क्या केले के नाम पे मैंने 100 लीटर दिया तो काफी हो गया? नहीं, जैसे हिंदुस्तान लीवर डालडा बनाता है, उसका बाय प्रोडक्ट से हमाम बनाता है, हमाम फ्री में आया। मित्रों, केले के नाम पर जो हम पानी देने वाले हैं, जो हमने खाद दिया, उसी खाद में, उसी जगह में, उसी घटा के नीचे आप हल्दी ले सकते हैं, आप अदरक ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ पाइनएप्पल हो सकता है तो उत्तम पाइनएप्पल आ सकता है, और भी आयुर्वेदिक औषधि भी ले सकते हैं आप। तो एक केले के कैनपी के नीचे जो घटा बनी है, उस घटा के नीचे आप 2-3-4 स्तरीय खेती कर आप उत्पादन बढ़ाकर उसी पानी का, उसी खाद का, उसी जगह का, उसी जगह पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश का बहुरूपी उपयोग कर आप समृद्ध बन सकते हैं। इसका कारण है पौधों का शरीर शास्त्र। जैसे कि एक पौधे को पूर्ण प्रकाश नहीं चाहिए, हर को कम ज्यादा प्रकाश लगता है, ये भी तो पौधों का शरीर शास्त्र को समझकर हम अपने उत्पादन बाय प्रोडक्ट विविध स्तरीय मल्टी स्टोरी प्रोडक्ट रखकर हम हमारे केले के साथ अदरक, हल्दी और लिंडी पीपल ऐसे पौधों को हम विकास करके किसान को समृद्ध कर सकते हैं और विकास कर सकते हैं उसी पानी का उपयोग। जब भी हम इस तरह से पानी का उपयोग विवेक पूर्वक करेंगे तब तो समृद्ध बनने वाले हैं। पानी H2O नहीं है, पानी जल तत्व है। तो जब हम जल तत्व का, पृथ्वी तत्व का, सूर्य शक्ति का विनियोग करेंगे, उपयोग करेंगे, विवेक पूर्वक उपयोग करेंगे, तब तो हम समृद्ध बनने वाले हैं। खेती आनंद का विषय है, खेती समृद्धि का विषय है, खेती महोत्सव है, जब इस तरह से हम हमारा उत्पादन बढ़ा लेंगे। मित्रों, ये सब बात तो हमने सीख लिया, समझ लिया, फिर क्या केला हम ऐसे बेच देंगे? नहीं मित्रों, केले का भी हम और विविध प्रकार का बाय प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसके अंदर हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। केले की आप चीज बना ले, केले को आप डिहाइड्रेट कर ले, केले को आप पल बना ले, केले की उत्तम आइसक्रीम बनती है, केले को ड्राई पाउडर करने के बाद पाउडर आप एक साल तक रख सकते हैं, उसका जब भी आपको आइसक्रीम बनाना है आप कर सकते हो, वेफर कर सकते हो, उसकी सब्जी बना सकते हो, कई उपयोग आपके केले के बन सकते हैं। तो मित्रों याद रखें, केला के साथ मैत्री करने से, दोस्ती करने से हम नेचर को विज्ञान जो दाभोलकर जी ने हमें दिया है, तो केला एक 36 स्क्वायर फुट में से आपको सिर्फ 25 किलो का उत्पन्न, 40 किलो का उत्पन्न नहीं देके 10 रुपये किलो 400 रुपये का उत्पादन नहीं मिलेगा। आप उसकी आइसक्रीम बनाओ, आप उसकी वेफर बनाओ, तो एक केले से आप 1000 रुपया प्राप्त कर सकते हैं। ये शोषण नहीं है, ये सभी का विकास है, कुदरत का विकास, आपका विकास, जमीन का विकास, क्योंकि केले के कंद को आपने वापस जमीन को दे दिया। तो माँ का विकास, पौधों का विकास, आपका विकास, परिवार का विकास, देश का विकास। तो केले का शरीर शास्त्र समझकर जैसे आज हमने 40 किलो का लूम का उत्पादन का विज्ञान समझा है मित्रों, हम उसी तरह नारियल को 400 फल कैसे लेना वो भी हम बात समझ सकते।